आज की डेट में प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो करप्शन बन चुकी है। आज की डेट में प्रधानमंत्री आवास योजना जो है गरीब लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। आज की डेट में जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है पूरी जम्मू कश्मीर की फोटो स्टेट की मशीनरी खराब हो चुकी है। पूरे जम्मू कश्मीर में जो है फोटो स्टेट की सही खत्म होने वाली है। लोग फोटो स्टेट करवा करवा के और आफजों के चक्कर लगा लगा कर जूते घिस गए हैं लोगों के, लेकिन उस प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है उन गरीबों तक नहीं पहुंच रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब लोगों के लिए मुसीबत है। अगर आज की डेट में आपके जेब में 10,000 रुपया है तो आपको पहली किस्त जो है 50,000 की वो 100% मिलेगी, चाहे आप गरीब हैं या अमीर हैं। अगर आपके जेब में 10,000 रुपया नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपके घर जो है वो नहीं आएगा। PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ने दस्तक दी है, उस घर जो है मुसीबत आई हुई है, क्योंकि 50,000 किस्त पड़ने से पहले उनके घर महकमा पहुंच जाता है, चाहे वो पंचायती हो या RDD का महकमा हो। सबसे पहले उनसे जो है रुश्वतखोरी के नाम पर जो है टैक्स के नाम पर जो है उनसे सदकाए जारिया 10,000 रुपया जो है लिया जाता है। जो लोग वो 10,000 रुपया पे कर सकते हैं तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उन पर हलाल होती है, बाकी जो पे नहीं कर पाएंगे उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो हराम है। मैं चाचे का मकान जो है वो एक साइड से गिर पड़ा हुआ है। मैंने उनसे जब पूछा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाया है, तो उसने जब मुझे कहा तो मुझे ऐसा लगा कि हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ पर करप्शन जो है वो 95% है। वो इस वजूहत से था, उस चाचे का ये कहना था कि मेरे पास 10,000 रुपया नहीं है, मेरा नाम काट करके दूसरे को दिया गया। मंत्री आवास योजना आई तो लोगों के लिए भले के लिए थी, लेकिन जिस तरह से दिन गुजरते गए लोग जो हैं इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए जाते रहे, वहीं लोग जो हैं वो दरबदर होते रहे। अगर डाटा देखो तो डाटा तो इस तरह से फुलफिल किया गया है, जिस तरह से ये योजना ने जो है वो सब लोगों को जो है वो लाभ दिया हुआ, लेकिन अगर असल में ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और ही कहलाती है। तो अभी हमारे साथ तनवीर अहमद तांत्रे जी हैं जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे जानते हैं क्या जिस तरह से लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है मजाक बन के रह गई है, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो लॉन्च की थी स्कीम की लोगों को जो है वो मकान बना के दिए जाएँ, और क्या आज तक लोगों को इसका बेनिफिट मिला है इसके बारे में भी जानते हैं, क्योंकि अब इस योजना ने जो है वो स्कैम का नाम ले लिया है। तो तनवीर जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपका जो पुंछ से हैं आप और आपके पुंछ में क्या कुछ सूरत हाल है स्कीम को लेकर? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपने मुझसे सवाल किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये स्कीम जब प्रधानमंत्री जी की तरफ से निकाली गई, तब हमारे लोगों के दिल में एक खुशी की लहर दौड़ी कि जिन लोगों के पास अपने मकान नहीं है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना आशियाना जो है वो बना सकते हैं। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से ही आज यही बात कहना चाहूँगा, वो आशियाना उनके लिए जो है मुसीबत का सबब बना हुआ है। आज की डेट में जिस भी गरीब के घर PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ने दस्तक दी है, उस घर जो है मुसीबत आई हुई है, क्योंकि 50,000 किस्त पड़ने से पहले उनके घर महकमा पहुंच जाता है, चाहे वो पंचायती हो या RDD का महकमा हो। सबसे पहले उनसे जो है रुश्वतखोरी के नाम पर जो है टैक्स के नाम पर जो है उनसे सदकाए जारिया 10,000 रुपया जो है लिया जाता है। जो लोग वो 10,000 रुपया पे कर सकते हैं तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उन पर हलाल होती है, बाकी जो पे नहीं कर पाएंगे उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो हराम है। मैंने आज की डेट की बात करूँ, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूं, वहां पर जब मैं एक जगह घूमने के लिए गया तो मैंने देखा एक चाचे का मकान जो है वो एक साइड से गिर पड़ा हुआ है। मैंने उनसे जब पूछा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाया है, तो उसने जब मुझे कहा तो मुझे ऐसा लगा कि हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ पर करप्शन जो है वो 95% है। वो इस वजूहत से था, उस चाचे का ये कहना था कि मेरे पास 10,000 रुपया नहीं है, मेरा नाम काट करके दूसरे को दिया गया है, हालांकि वो बंदा ठेकेदार है। लेकिन मैं आज ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से स्कीम निकाली गई तो ये गरीब लोगों तक पहुँच क्यों नहीं रही है? अगर पहुँचेगी तो कब पहुँचेगी? जब गरीब लोग
जिनका मकान गिरने वाला है, जब उनका पूरा परिवार उस मकान की जद में आएगा, वहां पर डेथ होंगी, तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है उन गरीबों को मिल पाएगा। आज की डेट में प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो करप्शन बन चुकी है। आज की डेट में प्रधानमंत्री आवास योजना जो है गरीब लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। आज की डेट में जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है पूरी जम्मू कश्मीर की फोटो स्टेट की मशीनरी खराब हो चुकी है। पूरे जम्मू कश्मीर में जो है फोटो स्टेट की सही खत्म होने वाली है। लोग फोटो स्टेट करवा करवा के और आफजों के चक्कर लगा लगा कर जूते घिस गए हैं लोगों के, लेकिन उस प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है उन गरीबों तक नहीं पहुँच रहा है। यानी जिसके पास 10,000 रुपए की राशि होगी वही अपना घर बना पाएगा। जाहिर सी बात है, आज की डेट में पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब लोगों के लिए मुसीबत है। अगर आज की डेट में आपके जेब में 10,000 रुपए है तो आपको पहली किस्त जो है 50,000 की वो 100% मिलेगी, चाहे आप गरीब हैं या अमीर हैं। अगर आपके जेब में 10,000 रुपया नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपके घर जो है वो नहीं आएगा, वो महकमा जो है आपके घर नहीं आने देगा। मुझे समझ नहीं आती है कि गाइडलाइन में भी कहीं पर जो है नहीं है, फिर भी जो है इस रिश्वतखोरी का नाम जो पता नहीं किस के कौन सी सदी में हम लोग हमारे लोग जी रहे हैं। आज की डेट में अगर वक्ती हुकूमत ने ये फैसला लिया था और ये कहा था बड़े बड़े चैनलों पर कि हम करप्शन फ्री जो है जम्मू कश्मीर को करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो है 95% करप्शन है। चलिए, प्रधानमंत्री जी के जो नाम है वो तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत अच्छी स्कीम लाई थी, लेकिन जो उन्होंने नीचे उनके वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके नाम को जो है वो मिट्टी में मिला रहे हैं। क्योंकि इस तरह बहुत बार देखा गया है कि लोग जो है इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वो ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं, हर एक डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कर कर उनके बैंक में जो है वो अमाउंट नहीं आ पाता, जिसकी वजह से जो उनके घर टूटे हैं वो टूटे रह जाते हैं, या जिनका घर नहीं बन पा रहा वो अपने घर से जो है वो महरूम रह जाते हैं। तो अगर आप क्या कहना चाहेंगे इसी योजना पर, क्योंकि अगर क्रॉस चेक नाम की भी कोई चीज़ है, इसे क्रॉस चेक क्यों नहीं किया जाता? देखो, अगर प्रधानमंत्री जी की तरफ से वक्ती हुकूमत की तरफ से ये स्कीम गरीब लोगों के लिए निकली हुई है तो इसके ऊपर एक कमीशन बिठाना चाहिए, एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर ये गरीब लोगों के लिए भेजा गया है क्या गरीब लोगों तक ये पहुंच रहा है? अगर ये गरीब लोगों तक नहीं पहुँच रहा है तो ये पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना क्या अमीर लोगों की झोली में जाता है? अगर गाइडलाइन में है कि जिस गरीब का घर टूटा हुआ है, जिस गरीब के पास अपना आशियाना नहीं है, उस आशियाने को बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से अच्छी स्कीमें निकाली गई हैं, तो फिर इन अफसरों पर जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आए रोज आपने मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, आए रोज ऐसे स्कैम निकलते हैं जो जीआरएस की शक्ल में, सेक्रेटरी की शक्ल में, आरडीडी का महकमा है। और एक बात इसमें और ऐड करना चाहता हूं, जो पंचीज सरपंचीज हजरात हैं, अगर वो ईमानदारी से काम करना चाहें, जीआरएस को और सेक्रेटरी को ये कह दें, आरडीडी के महकमे को ये कह दें कि मेरे गांव में जो है, मेरे पंचायत में आपको रिश्वत नहीं मिलेगी, तो उसका प्रधानमंत्री आवास योजना नामुमकिन आना है। उसके पंचायत में जो है एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। मुझे समझ नहीं आती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से वक्ती हुकूमत से और एलजी इंतजामिया से और जिला इंतजामिया से ये गुजारिश करता हूं कि इन लोगों के ऊपर नकेल कसी जाए ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है असली गरीबों को मिल सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तनवीर अहमद तांतरे, जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से थे और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बताया। और इससे पहले भी बहुत सी ऐसी जो है वीडियोस बाहर आ चुकी हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारा आशियाना नहीं बन पा रहा, या जो स्कीम लाई गई थी वो फुलफिल नहीं कर पा रही जो हमारी नीड्स हैं उनको। तो एक क्रॉस चेक जो है वो ज़रूर करना चाहिए कि अगर हम बात करें किसी सोसाइटी की या किसी मोहल्ले की या किसी विलेज की, कि उसमें कितने सारे घर हैं जिन्हें इस स्कीम का जो है फायदा हुआ और कितने सारे घर हैं जिन्हें इसका फायदा नहीं पहुंचा, और इस पर भी चेक किया जाए कि उन्हें इसका फायदा क्यों नहीं हुआ। शायद ये मुसीबत जो है किसी हद तक कम हो सकती है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहे जम्मू बुलेटिन। आशिया खान से तलाह।